हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक इंटीग्रल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन, दोनों चीज़ दी होगी हमें, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन विद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी हम खुद अपनी तरफ से क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमारे पास है लेबनीज रूल। लेबनीज रूल क्या होता है हमारे पास, कि किसी भी इंटीग्रेशन फंक्शन का, आप सबसे पहले इंटीग्रेशन हो चुका है उसका, तो फिर उसका डेरिवेटिव करें। तो कई बार इसको फॉर्मूले को बोलते हैं हम डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ऐसे ही बोलते हैं। तो क्या होता है वो, ठीक है, ठीक है, लेबनीज रूल क्या होता है, जिसको हम कई बार बोलते हैं डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। मतलब कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रखा है और फिर हमने क्या करना है उसका डेरिवेटिव, लाइक दिस। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव करना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोमा अल्फा डी अल्फा, ठीक है, अल्फा इज अल्सो वेरिएबल, इसका हमने इंटीग्रेशन कर चुके हैं और लिमिट हमारे पास ए एक्स टू बी एक्स, ठीक है, ये हमारे पास है बच्चों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेबनीज रूल। इसको हम लेबनीज रूल क्यों बोलते हैं, देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन इसका हो चुका है, और इंटीग्रेशन होने के बाद हम उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है हमारे पास कि सबसे पहले तो पहले वाले टर्म में एफ का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे एक्स, ठीक है। तो यानी d by dx of f of x comma alpha, ठीक है, into d alpha, ओके। फिर इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ax to bx कर दिया मैंने, क्योंकि अब बाहर डेरिवेटिव यूज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस अब जो अल्फा है वो रिप्लेस होगा अपर लिमिट से, ठीक है, यानी f of x कोमा बी एक्स और इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और जो लास्ट वाली टर्म है उसमें हमारे पास जो अल्फा है वो रिप्लेस होगा ए एक्स से, यानी f ऑफ x कोमा ए एक्स, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, ठीक है, ये हमारे पास होता है, ओके, इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास होता है लेबनीज रूल। आई रिपीट कि हमारे पास लेबनीज रूल क्या होता है, कि किसी का फंक्शन का इंटीग्रेशन हो और फिर हमें उसका डेरिवेटिव करना हो, तो उसकी जो फर्स्ट वाली टर्म में जो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s x वो हमने डेरिवेटिव करना है, लिमिट एज इट इज रहेगी। अब देखो इसमें फर्क क्या है, अब डेरिवेटिव इसका अंदर चला गया, ओके, प्लस फिर इसमें अल्फा रिप्लेस हो जाएगा अपर लिमिट से, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर माइनस एफ ऑफ अल्फा रिप्लेस हो जाएगा लोअर लिमिट से, यानी अब हमारे पास क्या आएगा ए एक्स, और फिर लोअर लिमिट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज अवर लेबनीज रूल, वेयर ए एक्स ये हमारे पास फंक्शन है एक्स के, ए एक्स एंड बी एक्स आर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, दूसरी बात आती है हमारे पास कि इफ, ठीक है, इसका ही अगर मैं सेकंड केस करूं, इफ ए एंड बी आर फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, सम कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट आ जाए, तो अब देखो बच्चों ये हमारे पास क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, अब इसमें ए एक्स बी एक्स नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा अल्फा डी अल्फा, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा अल्फा डी अल्फा। अब देखो बच्चों अगर मैं ये वाली टर्म लिखूंगा तो इट्स एफ ऑफ एक्स कोमा बी डी बी बाई डी एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा ए डी ए बाई डी एक्स, इज दैट क्लियर। अब
बी का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी ए का भी कांस्टेंट है, इसका भी डेरिवेटिव जीरो, तो ये वाली टर्म सारी जीरो, ये वाली सारी टर्म जीरो, तो इसका इंटीग्रेशन ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये वाले फैक्टर क्या हो जाएंगे, डिलीट, ठीक है, तो वे ओमिट हो गए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल, अगर ए और बी कॉन्स्टेंट है तो ये आता है, ठीक है। तो दिस इज द लेबनिज रूल टू यूज टू सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन कन्वर्ट इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए हमने लेबनिज रूल का यूज करना होगा, ओके। सो दिस इज आवर लेबनिज रूल, जैसे लास्ट में हमने एबल्स फॉर्मूला यूज किया था, इसी तरह लेबनिज रूल भी यूज होगा। अगर कोई हमारे पास इंटीग्रेशन इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई होगी और उसको कोरस्पोंडिंग हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में और विद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें ऑफकोर्स लेबनिज रूल का क्या है, यूज करना होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर ये तो हमारे पास फंक्शंस के लिए, अगर ये वेरिएबल्स की फॉर्म में हो, एक्स के कोई फंक्शन हो, लाइक मैंने ये बोल दिया कि डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, कुछ इल्यूट्रेशन करके चले हम, तो डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैंने इंटीग्रेशन बोल दिया, मान लो एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और अगर मैंने ये बोल दिया कि मान लो टू टू थ्री, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन आना चाहिए, ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का है तो हम जनरली ये यूज करते हैं, तो इसलिए हमने डिफरेंशिएट शुरू में ही कर लिया कि हम कौन कौन से फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें हम गिवन इंटीग्रल इक्वेशंस को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में ड्राइव करेंगे, ठीक है, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करेंगे फ्रॉम ए इंटीग्रल इक्वेशन, एंड ऑल्सो वी ड्राइव इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम विद द कंसर्न्ड इंटीग्रल इक्वेशंस, ठीक है। तो टेकिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ओके, तो इसको हम रब कर देते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ड्राइव द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द इनिशियल कंडीशन, ठीक है, हमें ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन भी ड्राइव करनी है और इनिशियल कंडीशन भी ड्राइव करनी है फ्रॉम द इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसकी ये इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें क्या करनी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद द इनिशियल कंडीशन। और जनरली हम जीरो पे वाई की वैल्यू और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू हम फाइंड आउट करके देते हैं, ओके। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी तो जनरली हमें ऐसे दिया होता वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू समथिंग और वाई डैश जीरो इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा ही कुछ दिया होता, तो हम जनरली जीरो पे ही इनिशियल कंडीशन लेके चलते हैं, ओके। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं, ठीक है, कम टू द सोल्यूशन पार्ट, ठीक है, सोल्यूशन पार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एक्स प्लस टी वाई ऑफ टी डी टी, ठीक है, ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो बच्चों देखो, इस इक्वेशन में हमें वाई एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और लास्ट जो लेक्चर किया था हमने, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, ये ड्राइव की थी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो वहाँ हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, और यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को हटाने के लिए, ठीक है, कि हमारी इक्वेशन जो इक्वेशन है ये इंटीग्रल इक्वेशन साइन से फ्री हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसके लिए हम क्या कर लेंगे, लेबनिज रूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ वन बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ जीरो टू एक्स एक्स प्लस टी वाई टी और डी टी, ठीक है, यानी इसका डेरिवेटिव करना है, ओके। अब वन का डेरिवेटिव है, वन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा, जीरो, तो जीरो होगा, तो जीरो प्लस दिस, तो वो मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई लेबनिज रूल, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे। तो लेबनिज रूल अप्लाई करने के लिए ये हमारे पास क्या है, पूरा ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स टी, ठीक है, तो इस एफ ऑफ एक्स टी के अकॉर्डिंग लेबनिज रूल अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास है तो इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, ये हमारे पास ए ऑफ एक्स है, ये हमारे पास बी ऑफ एक्स है, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो सबसे पहले ये है
एफ ऑफ एक्स टी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस टी वाई टी डी टी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दिया, ओके, प्लस अब इसमें जहां जहां x है, सॉरी t है, बिकॉज x t जो सेकेंड वेरिएबल है वो अपर वेरिएबल से रिप्लेस होगा, तो यहां पे जो x x प्लस t की जगह क्या आएगा, x आएगा, तो x प्लस x यहां पे क्या आ जाएगा, y ऑफ x, और फिर अपर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा, अब माइनस माइनस, अब t किससे रिप्लेस होगा, लोअर लिमिट से, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस जीरो वाई ऑफ जीरो और जीरो का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमने क्या अप्लाई कर दिया, लेबनीज रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ओके, जीरो का डेरिवेटिव कर दिया हमने, जो जीरो ही होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कर दो इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये हमारे पास हो जाएगा x का 1 t का 0, तो ये एज इट इज वाई टी में x है नहीं, तो एज इट इज y ऑफ t यहाँ डी टी, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चों, x प्लस x 2x y ऑफ x, और ये हमारे पास क्या होगा 1, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और यहाँ पे ये क्या होगा 0, बिकॉज ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो वो प्लस 0 हो जाएगा, तो एज इट इज मैं लिख भी देता हूँ प्लस 0, ये हो गया, ओके। अब देखो बच्चों, अभी भी आप देख रहे हो इस इंटीग्रल इक्वेशन में हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका, लेकिन एक बार इंटीग्रेशन साइन अभी भी दिख रहा है, ओके, तो इसका हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ताकि जो ये इंटीग्रेशन है ये भी अपीयर ना हो जाए, ये भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट अगेन दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहां पे करेंगे, ठीक है, या फिर आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, या रहने दो, इसका यहीं पे लिख देता हूं मैं ऊपरी, ठीक है, इसका करेंगे तो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे करेंगे तो डेरिवेटिव, ठीक है, और यहाँ पे भी इसका क्या करना है, डेरिवेटिव, ये तो जीरो टर्म हो गई, ठीक है, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ओके, तो अब देखो ये हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि वाई टी है इंटीग्रेशन, अब इसका लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे तो 0 टू x, और इसका विद रिस्पेक्ट टू x इन डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होगा 0 इंटू डी टी, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा प्लस, अब इसमें अपर लिमिट क्या हमारे पास x है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो y ऑफ x, ठीक है, y ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और 0 का कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह है, अगली टर्म क्या हो जाएगी 0, उसको हम नहीं लिख रहे, और यहाँ पे बच्चों क्या लगेगा, u इंटू वी रूल लगेगा, ये तो सिंपल है, इसमें लेबनीज रूल नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन अपीयर नहीं हो रहा है, लेबनीज रूल वहीं लगता है जहाँ इंटीग्रेशन साइन हो, और फिर उसका हमें क्या करना पड़े, डेरिवेटिव करना पड़े, तो इसका मैं अगर डेरिवेटिव करूंगा तो देखो बच्चों 2 तो 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस yx एज इट इज, और इसका करूंगा मैं तो 2x का क्या होगा 2, तो उसको मैं आगे लिख लेता हूं, अब देखो बच्चों, अब ये 0 हो गया, ये भी 0 होगा हमारे पास, अब देखो बच्चों, अब जो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में कहीं भी आपको इंटीग्रेशन साइन कहीं भी नहीं दिख रहा है, ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम फाइनली लिख देते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगी, ये डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई एक्स और टू एक्स वाई, टू वाई एक्स कितने हो गए हमारे पास, 3y ऑफ x, और ये हमारे पास एज इट इज प्लस 2x इंटू वाई डैश x लिख लो इसको, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश लिख सकते हैं, ओके, और जनरल फॉर्म लिखने के लिए हम क्या लिख देते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं y डबल डैश माइनस 2x y डैश x माइनस 3y ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो बच्चों उसने क्या बोला, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन, अब हमारा काम क्या रहता है,
इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करना रहता है। तो हम जो जनरली फाइंड आउट करते हैं तो जनरली हमारे पास दो ही होते हैं, ठीक है। इसको भी मैं रब कर देता हूँ। देखो बच्चों, ये हमारे पास होती है y ऑफ जीरो, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, और y डैश जीरो इज इक्वल टू समथिंग, ये फाइंड आउट करना होता है। तो अब देखो बच्चों, अब हमें क्या है y जीरो फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास है, तो अगर मैं y ऑफ जीरो फाइंड आउट करूंगा तो y ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन प्लस जीरो टू जीरो, x की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस टी वाई टी डी टी, और जीरो से जीरो अगर लिमिट हो तो उसका आंसर जीरो ही आता है। तो वन प्लस जीरो कितना आ गया, वन आ गया। तो y डैश जीरो कितना आ गया, वन आ गया, सॉरी y ऑफ जीरो वन आ गया। सिमिलरली अगर मैंने y डैश जीरो फाइंड आउट करना है तो y डैश ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या था y डैश। तो y डैश x में अगर मैं y डैश जीरो फाइंड आउट करूंगा तो ये देखो बच्चा कितना आएगा, जीरो टू जीरो, ठीक है। तो जीरो टू जीरो करेंगे तो हमारे पास पूरा फैक्टर जीरो, और यहाँ से करेंगे तो जीरो प्लस जीरो जीरो जीरो, तो ये हमारे पास कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ये कितना आ गया, जीरो। तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्रू आउट सारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं, दीज आर द इनिशियल कंडीशन एंड दीज आर दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू दिस इंटीग्रल इक्वेशंस, ठीक है। तो ऐसे हम इंटीग्रल इक्वेशन के कोरस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, ओके। ये जनरली मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रखा था, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करने की आवश्यकता है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। इसका भी हम सेम एज इट इज ही रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा फास्टली करते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा एग्जांपल कि हम किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन के कोरस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको हम सोल्व करते हैं। तो नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, यहीं से कर लेते हैं हम, ठीक है। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लिमिट क्या दी हुई हमें, जीरो टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू वन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, माइनस फोर, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कोस एक्स, तो साइन का कोस एक्स। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स थ्री माइनस टू एक्स माइनस टी, ठीक है, इंटू वाई ऑफ टी डी टी। अब ये देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा टी, ये हमारे पास पूरा एफ ऑफ एक्स कोमा टी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास, यहाँ पे लगेगा लेबनीज रूल, ठीक है, अप्लाई लेबनीज रूल टू सोल्व दिस टाइप ऑफ डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन प्लस, सॉरी, माइनस फोर कोस ऑफ एक्स। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, जीरो टू एक्स, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या होगा, थ्री का जीरो माइनस टू, और एक्स का वन, और टी का जीरो, ठीक है, और ये एज इट इज, बिकॉज इसमें एक्स वाली टर्म है ही नहीं। अब क्या करना है, जो एफ ऑफ एक्स टी में टी है जो, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, अपर लिमिट से, तो वो होगा प्लस थ्री माइनस टू इंटू एक्स माइनस एक्स, ठीक है, और वाई ऑफ एक्स, और फिर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वन होगा, और लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो जीरो का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो लास्ट वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वन माइनस फोर कोस ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स। ये देखो, वन माइनस जीरो वन, वन इंटू टू माइनस टू वाई ऑफ टी डी टी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एक्स जीरो, तो हमारे पास हो जाएगा थ्री वाई एक्स, ये आ गई। अब देखो बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में अभी भी इंटीग्रेशन साइन अपीयर हो रहा है, तो इसका मतलब इसका हमें एक बार और डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, y डबल डैश, ठीक है, तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वन माइनस,
वन का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, जीरो। माइनस फोर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे करेंगे तो देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, जीरो टू एक्स माइनस टू वाई ऑफ टी, ठीक है, डी टी प्लस थ्री, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, जिसको हम वाई डैश एक्स भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फोर साइन एक्स प्लस, यहाँ पे क्या रूल लगेगा, लेबनीज रूल लगेगा। तो लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे जीरो टू एक्स करूँगा, जीरो टू एक्स, और मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करूँगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, जीरो जीरो डी टी प्लस, अब टी की जगह क्या, अपर लिमिट, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टू वाई ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लास्ट वाला फैक्टर माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज लोअर लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, और ये वाला पार्ट थ्री, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, वाई डैश एक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वाई डबल डैश एक्स। तो अब देखो बच्चों, ये फैक्टर भी जीरो हो गया हमारे पास, जीरो का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी, जीरो। Is that clear? अब इसको साफ साफ लिख लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा y double dash x is equal to 4 sin x, ठीक है, ये हमारे पास होगा माइनस टू वाई एक्स प्लस थ्री वाई डैश एक्स, ठीक है। और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा y double dash x माइनस थ्री y डैश एक्स, ठीक है, माइनस थ्री वाई डैश एक्स और प्लस टू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर साइन ऑफ एक्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू द दिस इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, इस इंटीग्रल की इक्वेशन हमारे पास ये क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अभी हमारे पास क्या आई है, डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल कंडीशन भी, ठीक है, विद द इनिशियल कंडीशन ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई ऑफ जीरो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले वाई ऑफ जीरो, ये रहा वाई, एक्स की जगह क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो, तो वन माइनस जीरो माइनस फोर साइन जीरो जीरो, बिकॉज साइन जीरो जीरो प्लस, यहाँ पे करेंगे तो जीरो का इंटीग्रेशन, जीरो टू जीरो इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो। तो ये हमारे पास कितना आ गया, वन आ गया, तो वाई ऑफ जीरो क्या आ गया, वन। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इनिशियल कंडीशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वाई डैश जीरो। तो वाई डैश हमारे पास क्या है, ये रहा, तो वाई डैश जीरो फाइंड आउट करेंगे, तो वाई डैश जीरो ये हमारे पास है वाई डैश एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन, कोस जीरो कितना होता है बच्चों, वन, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस फोर, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो जीरो टू जीरो इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो, तो ये वाला फैक्टर हमारे पास क्या होगा, जीरो प्लस जीरो, और यहाँ पे करेंगे तो प्लस थ्री इंटू वाई जीरो, और वाई जीरो की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ चुकी है, वन, तो थ्री इंटू वन वन, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस फाइव प्लस थ्री, तो कितना आ जाएगा माइनस टू। तो सेकेंड कंडीशन आ गई वाई डैश जीरो इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो इसके साथ में लिख लेते हैं हम, तो इसके साथ में इनिशियल कंडीशन आ गई वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन एंड वाई डैश जीरो इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस इनिशियल कंडीशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब हमने इनिशियल कंडीशन भी फाइंड आउट कर ली, ओके। तो इस तरह आप गिवन इंटीग्रल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने दो बेसिक क्वेश्चन किए हैं जिनमें हमने गिवन इंटीग्रल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक आध एग्जाम्पल या फिर आपको असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है, जिससे आप क्या कर सको, उनको सोल्व कर सको, ओके। देखो बच्चों, ये आपके लिए क्या है, असाइनमेंट है, ठीक है। आपको गिवन इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, ये मैंने आठ क्वेश्चन दिए आपको एज ए असाइनमेंट, आप इन इक्वेशंस को कंसर्न्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन आप इनको ड्राइव करोगे, ठीक है। एज ए असाइनमेंट है आपको, आठ क्वेश्चन हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से कर सकते हो, ओके, ताकि आपकी भी क्या हो, प्रैक्टिस हो, बिकॉज इंटीग्रल इक्वेशन ऐसे ही है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये आएगा, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोच लोगे कि सिंपल है, आसान है, ये जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं है, अगर आप पेन कॉपी नहीं उठाओगे तो, ओके। इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको असाइनमेंट दी थी, होप शो कि आपने वो डिस्कस कर ली होगी, ठीक है, सबके सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए होगे,
और ये आपके आपके है इनिशियल इंटीग्रल इक्वेशन को कंसर्न्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए असाइनमेंट है। और कुछ मैं हिंट दे दूं आपको, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले वाले लेक्चर्स के आंसर है, ठीक है, तो आपको चेक करना है कि कौन सा किसका आंसर है। ओके, तो लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें इस ये ठीक है मोस्टली बहुत से सारे, ठीक है, एक दो को छोड़ के सारे उन इक्वेशंस के आंसर्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो डबल्स क्वेश्चन हो गए इंटीग्रेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में और ऑर्डिनरी को इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था कन्वर्जन का, कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आप सभी इन क्वेश्चंस को करोगे वीडियो देख के, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप बाय पार्ट आप उनको पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है, वोल्टेरा एज वेल एज फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशंस का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते रहिए।